सो हेलो गाइस, इस वाली वीडियो में हम करेंगे पीडब्ल्यू का पूरा रिव्यू। आप गेट के लिए, आईआईटी जेई के लिए, नीट वगैरह के लिए इनका आइडिया इस वाली वीडियो को देख के लगा सकते हो कि इनकी प्राइसिंग काफ़ी लो है। तो क्या उस बेसिस पर बेसिकली इनके कोर्सेस लेना ठीक रहेगा या नहीं, क्या कमियाँ हैं, क्या क्या और कोचिंग से फ़ायदे हैं या फिर प्लस पॉइंट हैं, ये आपको वीडियो से पता चल जाएगा। और बाकी तो पूरा इसके साथ ही हम इनकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी, इनकी जो पीवाईक्यू की बुक है वो, डीपीपी, सब कुछ आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इस एक वीडियो में। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले और सबसे स्टार्टिंग में ही मैं सबसे मेन इम्पोर्टेंट अच्छी बात बता देता हूँ आपको। अगर हम कंपेरिजन करें मेडजी अनअकैडमी या फिर पीडब्ल्यू या फिर जो भी गेट की कोचिंग हैं उनमें, तो अगर आपके पास कोई भी फाउंडेशन नहीं है, मतलब बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है फीस वगैरह से, तो आप सीधा अनअकैडमी या फिर मेडजी इनको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत पहले से चली आ रही कोचिंग है। काफ़ी अच्छी अच्छी रैंक यहाँ से निकलती हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ से अच्छे सेलेक्ट होते हैं। ये पीडब्ल्यू अभी खुली है, जस्ट एक साल पहले ही, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑप्टिमम कोचिंग देखनी है, फीस की आपके पास फाउंडेशन है, मतलब एक ऑप्टिमम का मतलब है एक पर्टिकुलर लिमिट है आपके पास, तो उस लिमिट जोन में ये सबसे बेस्ट कोचिंग है, मतलब कम प्राइस में सबसे अच्छी कोचिंग वो पीडब्ल्यू है। अब चलते हैं स्पेशली पीडब्ल्यू की तरफ। तो अब हम आगे पीडब्ल्यू के ही बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले टीचर्स की अगर हम बात करें, तो भाई टीचर्स इनके यहाँ जो भी गेट वगैरह या फिर अदर कोचिंग्स किए हैं वो ऑलरेडी अपने आप पर रैंक करें। जैसे कि गेटवे, अगर मैकेनिकल की मैं बात करूँ, तो मैकेनिकल में खुद AIR 1 आपको लगभग 2 या 3 टीचर ऐसे मिल जाएंगे, तो मतलब अपने आप में काफ़ी ऑलरेडी वो टॉपर हैं, वो आपको पढ़ाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई ऑलरेडी टॉपर है तो वो टीचर भी अच्छा होगा, तो इससे ऐसे कंपेरिजन ना करें। मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऑलरेडी वो टॉपर हैं इस फील्ड में जो कि आपको पढ़ाएंगे, और जैसे कि हार्डवर्किंग काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ऐसे नहीं है कि टाइम आपकी क्लासेस का टाइम जो है वो उसी टाइम में पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा भी वो एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुद से टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह पर भी, मतलब वो स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते रहते हैं, ठीक है। अब बात करें दूसरा, कोर्स क्या टाइमली बेसिस पर कंप्लीट हो जाता है कि नहीं। जैसे अगर आप मान के चलो एक साल के लिए अगर आप कोचिंग लोगे, तो बिल्कुल सही बात है, कोर्स आपके जो भी टाइम वो देंगे उससे पहले ही कंप्लीट करा देंगे। और उसके बाद भी इन्होंने ऐसे अपने गेट का जो कोर्स करा दिया था, तो उसके बाद इन्होंने 1500 क्वेश्चन की सीरीज उन्हीं बच्चों के लिए, मतलब उसकी कोई कॉस्ट नहीं थी, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं पीडब्ल्यू पर, तो वो फ्री में कर दी थी। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप ये भी पढ़ सकते हो फ्री में, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज डीपीपी वगैरह, अब देखो डीपीपी वगैरह जैसे ये चैप्टर खत्म होते हैं, मतलब ऐसे मान के चलो कोई भी टॉपिक पढ़ाया इन्होंने, तो उसी वाले दिन डीपीपी अपनी अपलोड कर देते हैं। डीपीपी मेरे पास है, मैं दिखा रहा हूँ। और डीपीपी में ये है सबसे मेन बात, डीपीपी में क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ठीक है, क्वेश्चन के बाद आपको इनका वीडियो सॉल्यूशन और इनका जो क्लास में जो वीडियो सॉल्यूशन वो कराएंगे, उसके साथ पूरा नोट्स के, मतलब बाद में वीडियो नहीं देखना चाह रहे हो तो वैसे भी लिख के आप मतलब देख सकते हो। तो ये डीपीपी भी अच्छी अच्छी क्वेश्चन इसमें हैं इनके में, ठीक है। तो ये डीपीपी हो गई। अब डीपीपी के बाद आता है आपका वीकली टेस्ट जो पढ़ाते हैं, हाँ वीकली, अब जो टेस्ट आते हैं उनमें थोड़ी एक नेगेटिव पॉइंट है कि ऐसे मान के चलो जो भी इन्होंने कराया, अब जो एक वीक में टेस्ट लेते हैं जो भी करा चुके हैं पहले उसमें, लेकिन टेस्ट में ये वही देते हैं जो क्लास में पढ़ा रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं कुछ क्वेश्चन कुछ अलग कॉन्सेप्ट का कुछ रेडी कर रहे हो, मतलब जो लगभग अगर आपने क्लास में पूरा पढ़ा है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो वो कर पाओगे। मतलब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होने चाहिए उनमें कि अलग से आपको दिमाग लगाना पड़े, चैप्टर मतलब टॉपिक वही है लेकिन अलग से, समझ रहे हो, जो कि आपको सोचने की पावर को बढ़ाए। अब बात करेंगे एक नेगेटिव पॉइंट, एक और ऐप प्रॉब्लम इनके, सबसे ज़्यादा जो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा वो यही है, इनके ऐप में आए दिन कमियाँ आती रहती हैं, ओपन ही नहीं होगा, खुलता ही नहीं है कभी कभी अपने आप, मतलब बहुत सारी एरर आती रहती है, टेस्ट आप दोगे तो खुलेगा ही नहीं वो, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इनको ऐप या फिर जो भी बैकएंड वगैरह इनके देखते हैं वेबसाइट वगैरह के, वो थोड़ा इनको अच्छे से और देखना चाहिए, ठीक है। बुक इश्यू, हाँ बुक में भी अब मैं बता दूँ, अब इनकी जो बुक है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इन्होंने ये अलग ही कॉन्सेप्ट निकाला था इस बार के बुक में, जो वीडियो मतलब जो सॉल्यूशन है वो तो है ही, उसके साथ ही इन्होंने QR कोड प्रोवाइड कर रखे हैं, तो इसका मतलब अगर आपको सॉल्यूशन से नहीं समझ में आ रहा है तो वो QR कोड को स्कैन करोगे तो सीधा वो वीडियो सॉल्यूशन उसका खुल जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए अब बार बार नहीं इतनी इच्छा होती कि उसको बार बार फोन लें, स्कैन करें, फिर दो वो लोडिंग होने में बहुत टाइम लगता है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव तरीका नहीं है। और वैसे भी इनके सभी QR कोड काम नहीं करते हैं, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। अब अगला चलते हैं
ये हो गया बुक वाला। टेस्ट सीरीज भी इनकी अच्छी है। टेस्ट सीरीज में इनकी खास बात ये थी कि जो आपको गेट में सवाल देखने को मिलते हैं सेम एग्जैक्टली वैसे ही सवाल आपको इनकी टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली में होना ये चाहिए कि गेट में जो भी सवाल मिलते हैं उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर होना चाहिए, ताकि बेसिकली जो गेट में सोचने की पावर है वो थोड़ा सा ऊपर उससे ऊपर लेवल का सोच पाए, तभी जाके गेट में अच्छा स्कोर कर पाएगा। ठीक है, तो गेट वाला हो गया। यूट्यूब ऐप, ये भी एक वो है कि यूट्यूब और जो ऐप है, ऐसे मान के चलो यूट्यूब पे भी ये पढ़ाते हैं टीचर्स वगैरह। अब काफ़ी लोग ये समझते हैं कि यूट्यूब पे भी वही पढ़ा रहे हैं जो कि कोर्सेस में पढ़ा रहे हैं, मतलब ऐसे तो एनी टीचर कुछ गलत पढ़ा देंगे यूट्यूब पे, तो एक मन में डाउट रहता है कि यूट्यूब पे भी हम तो यूट्यूब से ही पढ़ लेंगे, लास्ट में रिवीजन वगैरह ये सब देख लेंगे, तो ये भी ऐसे लोगों के बारे में डाउट बनता है। लेकिन अगर मैं लास्ट में, आप वैसे कोई पॉइंट बचा नहीं है, मैं देखता हूँ एक बार टीचर्स कोर्स टाइमली बेसिस सब्जेक्ट वैटी की, ऐसे सब कुछ हो गया। सबसे मेन बात अब इनकी ये है, लास्ट में अगर हम देखें टीचर्स काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं कि क्लास में ही आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप डिस्कशन करोगे, कुछ सवाल पूछोगे तो उनका भी रिप्लाई देते हैं, क्लास में एकदम अच्छे से समझाते हैं। मेरी थर्मोडायनामिक्स सबसे वीक सब्जेक्ट था, अब मेरी सबसे फेवरेट है। एक शिवम सर हैं, वो मेरे काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हैं। ठीक है, तो मतलब टीचर्स सही हैं, सब चीज़ सही है, पढ़ाई में भी सही है। एक तो ऐप वाली प्रॉब्लम वो थोड़ी सी मुझे ख़राब लगी थी, और सबसे कम प्राइस में सबसे बेस्ट कोचिंग है तो वो PW है। तो ये इतने सारे पॉइंट को देखते हुए आप क्या डिसाइड करना चाहोगे वो आप खुद देख सकते हो।